ओके ठीक है, थैंक्स. सो अच्छा, लास्ट लेक्चर जो हुआ था स्टूडेंट्स, हाउ टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटीज, उस पे किसी को कुछ बोलना है? जैसे आदित्य ने याद दिलाया मुझे, किसी को कुछ बोलना है? आपने होमवर्क सॉल्व किया, सबने होमवर्क किया, यस उस पे सर, कुछ ऐसा लगता है कि नहीं उस पे बात करना चाहिए सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है एक्स वाई जेड, जो लोग भी उस लेक्चर में प्रेजेंट थे? फोर्थ सम में कंफ्यूजन है। व्हाट इज दैट एक्चुअली? जहाँ कंफ्यूजन है सम बोलो. सी हेलो न्यू स्टूडेंट्स, दोज हुआ न्यू, जो लोग आज फर्स्ट टाइम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, डोंट वरी, आज जो हम लोग पढ़ाएंगे वो आपको समझेगा. पहले जो हुआ है उसके लिए टेंशन मत लो, लेकिन आज जो पढ़ाएंगे वो आपको समझेगा. तो थोड़ा सा अजीब लगेगा बट टेंशन मत लो, आराम से रिलैक्स बैठे रहो. सो आदित्य, हाँ क्या था फोर्थ सम, क्या था प्रॉब्लम भाई? सम बोलू या मेरे डाउट बोलू? सम बोल के डाउट बोल, तू समझेगा ना. हाँ, 8.339 इंटू 8.339 into, अच्छा अच्छा 0.2। अच्छा अच्छा सुन 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 सुन, तू ये प्रीवियस के प्रीवियस लेक्चर का डाउट बोल रहा है. फिर ये वाले सम में मतलब वो एक ही सम का डाउट था। हाँ, लेकिन तू मेरे ख्याल से बोल रहा है ना कि तू लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा पढ़ा था, ये उससे पहले वाले लेक्चर का डाउट है आई थिंक, राइट? नहीं सॉल्व सर, करने पता वाला नहीं। 8.339 into something तू बोलेगा, ये सब पूरा सॉल्व करेंगे ना हम लोग. हाँ सर, इंटू अच्छा, तेरे लिए मैं इसको फटाफट रफली करूंगा, चल बोल. 0.285:2। 0.285 raised to power 2, ओके. 68.554 68.554, दैट्स इट. यस सर। ओके, तो इसमें आदित्य तो कहाँ फंस गया, ये हो जाएगा. मैं रफली सॉल्व कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा ऐसा 68.554. सो इसमें डाउट क्या था, अब ये बता. चल सर 2,00,085 के मतलब आपने से क्या मेथड से बार 1.4848 4548 आता है, पर मैंने कैलकुलेटर पे ऐसे मतलब मैंने गूगल पे किया तो बार जीरो सॉरी -0.5451 आ रहा है। अरे ते सगळं सोड ना रे गावडे साहेब, एंडचा रिझल्ट बघ ना काय येणार ते. चलो आंसर फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, जिसने भी किया था स्टूडेंट सब जरा हेल्प कर दो, जब ये आंसर फटाफट इसको सॉल्व करूंगा. द कैरेक्टरिस्टिक विल बी 0, 0.8339, क्या था मेंटी साहब? 9211 9211. वो क्यों आया था आदित्य, उसका रीजन अलग है, बट वो मत देख, हमें कैलकुलेटर यूज करने को नहीं मिलेगा 11th 12th में. ओके, यस सो सर। 2 into bar 1 point कितना आएगा, 28 का फाइव 4548 4548 minus 1 point 68.55 8360 8360. ओके, सो नाउ 0.9211 plus 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 16, 2 4 8 9 5 10, 4 8 9 2 1 2 बराबर है स्टूडेंट्स, यही आ रहा था. बाकी लोग याद करो जो सॉल्व किए रहोगे. यस सर। 11 minus 6 is, sorry, add करना है, sorry. 1 plus 6 is 7, 1 plus 9 is 10, 2 plus 1 3 9 9 18, 1 bar 1 point minus 1.8360. सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 minus 7 10 minus 6 4, दिस इज 2, 12 minus 3 is 9, दिस इज 7, 17 minus 8 is 9, दिस इज -2 -2 -3 -3. ठीक है, ऐसा ही था. मैं बहुत स्पीड में रफली कर रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मैं इसमें एकदम डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, ऐसा ही था. यस सर। जिसने भी किया उसको आया क्या इतना, या ये भी मेरा गड़बड़ हुआ है? आया सर। यही आया है ना पक्का? यस सर। फिर ठीक है, मतलब फिर मेरा करेक्ट है. तो द आंसर विल बी एंटी लॉग ऑफ बार 3.9947. 99 का 4 का 7, एंटी लॉग क्या आया? 99 का 4 का 7 का एंटी लॉग क्या था? कोई नहीं सॉल्व किया था क्या?
99 का 4 का 7 9977 आ रहा है पक्का? नो सर 9879 पक्का? यस सर। तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो, इतने लोगों सबने इसका मतलब सॉल्व नहीं किया है सर, 9879 ही है। तो आंसर विल बी 9.87982×10⁻³। अगर ये करेक्ट है तो सो अब जो आदित्य का डाउट है, आदित्य क्योंकि हम लोग लॉग टेबल यूज करके सॉल्व करेंगे तो आपको इसी तरह से जाके एंड में आंसर लाना है, और आप जो सर्च कर रहे थे जो भी गूगल जो भी कर रहे थे तो फाइनल आंसर देखोगे, फाइनल आंसर मैच करेगा मेथड जो भी लिया हो। ओके सर। 11 12th में हमें कैलकुलेटर यूज करना अलाउड नहीं है, मैंने कई बार बोला है लॉग टेबल यूज करने का, लॉग का स्टेप्स दिखाने पे भी मार्क्स है, तो दैट विल बी कंपलसरी। ओके सर। ठीक, तो जितना मुझे अब तक आप लोगों से रिस्पांस मिल रहा है, मैं डाउटफुल हूं कि शायद सबने उस मोमेंट पे सॉल्व नहीं किया था। किया था क्या किसी ने? क्या नाम है, किसी को रैंडमली पूछूं क्या मैं? सर थर्ड वाला भी चाहिए था। सो थर्ड वन में वो लॉग 10⁵ का क्या आंसर आएगा, बाय 25 या -25? हां मैंने बहुत सोच समझ के वो क्वेश्चन दिया था, मैं भूल गया, इतना दिन हो गया, मैंने बहुत सोच के वो क्वेश्चन दिया था कि इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा तो उसके बारे में आइडिया हो कि वो है क्या। हाँ हाँ, अरे ऐसा करूंगा तो फिर जो मुझे पढ़ाना है वो तो मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। मैं सोच रहा था आज मेरा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो जाएगा, ये तो गड़बड़ झाला हो गया जी। ओके चलो हाँ, क्वेश्चन बोलो क्या बोल रहे हो तुम लोग। 16.5 into 0.596/2 okay into 10⁻²⁵ into 10⁻²⁵। तो जैसे स्टूडेंट्स जैसे हम लोग लॉग अप्लाई करेंगे तो इतना आपको तो समझा होगा कि इट विल बी 3 log 16.5 + 2 log 0.596 + -25 एक्चुअली प्लस की जगह हो जाएगा -25 log 10। ये तो समझा कि नहीं? हाँ यस सर, इतना तो आएगा ही, बराबर है? यस सर। अब चमत्कार होगा। तो इसको जो सॉल्व करते वो तो वैसे ही करोगे, 3 × 1 point something जो भी आएगा, प्लस 2 × 1 point something जो भी आएगा, -25 × log 10 की वैल्यू क्या होगी? 1.00 That will be 1. See, if you remember, मैंने ये पहले बताया था कि in case of common log, when we are solving common log, the base of log is fixed and that is 10. Hello. Yes. So और वो बेस हम लोग कहीं भी दिखाते नहीं है, बट दैट बेस इज ऑलवेज फिक्स्ड एंड दैट इज 10। सो इट मींस दिस इज लाइक log(10⁻⁶) दैट विल बी 1 ना? यस। अगर आप टेबल भी देख रहे हो तो भी 1.0000 आया, राइट? हां यस। और नहीं तो बिना टेबल के भी ये समझो कि log 10 बेस कुछ नहीं है, कॉमन लॉग है, तो इट विल बी 1। इसका मतलब 25 × 1 हो गया वो। ठीक यस सर। अब सॉल्व करने में क्या प्रॉब्लम है? अब जो ये दोनों को ऐड करोगे ऐसा सब्ट्रैक्ट करोगे, मतलब आप देख रहे हो ये कैरेक्टरिस्टिक बार में बहुत बड़ा बार में आने वाला है, ऐसे कुछ हो है ना? वो एक कंफ्यूजन है तो मुझे आंसर बोल दो, इससे अच्छा मैं फटाफट सॉल्व कर दूं, कोई आंसर नहीं दे रहे हो तो। सर मुझे सर मैं डायरेक्ट आंसर बताओ क्या? बोल। सर x = 1.595 × 10⁻²⁰।
माइनस 20 आ जाता तेरा, 3 है इधर, 12 2 है इधर, कुछ तो ऐसा ही आएगा, बट एग्जैक्टली बोलना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं काम करता हूँ। इसका आंसर बोलो 16 का 5 क्या था, बोल दो फटाफट। 16 का 5 1.2175, 2175 ठीक है। और 59 का 6 7752, ओके सो दिस इज नॉट, 3 5 आर 15, 3 7 are 21, 22, 2 3 1 are 3, 2 5, 3 2 are 6, 3 बराबर है, चेक करते रहना, वेरीफाई करना मुझे। 2 2 are 4, 2 5 are 10, 7 are 0, 5 5 0 किधर, क्या बोल रहे हो? सर वो आंसर बता रहे बार 1.5504, मैं कहीं रॉन्ग नहीं कर रहा हूँ ना? नहीं नहीं सर, नहीं सर, हाँ वही बता रहा हूँ, आंसर बता। ओके ऐसा आएगा बरोबर, ऐड करेंगे तो 5 4 9 2 5 5 10 11 12 1 4 minus 1 is 3 यही आएगा। यस सर, तो 9202 3 माइनस 25 इज माइनस 22 आ रहा है रे सर, 3. बार 10 रेस्ट पावर माइनस 22 सर, मैंने वैसा नहीं किया सर, जैसा आप माइनस 25 ये आप, मैंने वैसा नहीं किया सर, मैंने 10 रेस्ट टू माइनस 25 वैसे ही लिखा सर, सर मेरे को वैसे ही आया, बराबर कैसा ऐसा आया ना आप, फिर उसका आंसर आएगा वन, नहीं मैंने ऐसा नहीं दिया, मैंने डायरेक्टली 10 रेस्ट टू 25 माइनस 25 ही लिया था। यस सर मैंने, लेकिन स्टूडेंट्स अरे अरे तुम लोग नालायक लोग, थप्पड़ खाओगे अभी, अपने मन से ले लोगे क्या कुछ भी? मुझे एक बात बताओ, जब यहाँ पे ये टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में राइट, तीनों टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में, तो जैसे ही लॉग अप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको छोड़ थोड़ी कुछ, मैं इसको नहीं करता हूँ। हेलो 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 हेलो, इफ वी हैव एक्स इनटू वाई इनटू जेड एंड वी आर अप्लाइंग लॉग, सो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, दैट फॉर्मूला सेज इफ वी हैव नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन आफ्टर अप्लाइंग लॉग इट विल कन्वर्ट इन एडिशन, सो इफ वी हैव एक्स इनटू वाई इनटू जेड आफ्टर अप्लाइंग लॉग इट विल बी लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड, सिंपल। आप ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि मैंने log x log y कर लिया, z को छोड़ दिया, दैट इज नॉट पॉसिबल, मैथमेटिकली करेक्ट ही नहीं होगा, समझ रहे हो कि नहीं? तर लेकिन आंसर तो बराबर ही आया। क्या आंसर बराबर आया यहाँ पे 10 रे पावर माइनस 22 कैसे आया? अच्छा इसका 10 पावर 3, इसका 10 रे पावर माइनस 25 ऐसा बोल रहे हो क्या? हाँ फिर वो माइनस करेंगे तो। सुन सुन सुन, जानवी 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 एक मिनट, मैं जरा ये भी चीज देख लेता तुम लोग का, तुम लोग क्या बोलना चाहते हो। देखो कभी कभी ना कुछ चीजें बहुत अजीब होती है लेकिन सही नहीं होती है। इसका एंटीलॉक तुमने फाइंड किया कितना आया सर? 1.595 इनटू 10 रे टू पावर 23 सॉरी 3 3 और आप बोल रहे हो कि 10 रे टू माइनस 25 को मैंने साथ में रखा था, तो ये दोनों सॉल्व करके माइनस 22 हो गया। ठीक हाँ, इस केस में लकीली आप बच गए हो, लेकिन जरूरी नहीं कि बार बार ये सिचुएशन आएगा, ये ऐसा पॉसिबल नहीं। आप प्लीज ये समझो कि टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो सॉल्व कर देता मैं उसको, हमें मैं एक काम करूंगा इसके ऊपर, मैं तो इनफैक्ट 3-4 एग्जांपल्स लेके ट्राई करूंगा, अगर हर जगह फिट बैठता तो ठीक है, अदरवाइज मैथमेटिकली, लेकिन इसको मैं करेक्ट नहीं बोलूंगा। ओके सर, क्योंकि रीजन यह है कि मैं जैसे ही लॉग अप्लाई करूंगा तो इसको मुझे तीनों को साथ में लेके सॉल्व करना ही पड़ेगा, इस तरह से उसको छोड़ नहीं सकता। बट कुछ एग्जांपल्स लेके, कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप लोग को 10th में एक टॉपिक था त्रिग्नोमेट्री, याद है? त्रिग्नो में ऐसा कुछ था, एरिया वेरिया फाइंड करने का था कुछ, याद है? या ऐसा था, क्या नाम है उसको, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन के वर्सेस पे आंसर क्वेश्चंस थे। तो एक्चुअली मैं आपका अपने टाइम की बात बता रहा हूँ, मैं मुझे क्या क्वेश्चन था मुझे याद नहीं है, बट कुछ अजीब सा क्वेश्चन था, एग्जाम की बात कर रहा हूँ, एग्जाम में अचानक मुझे क्वेश्चन मिला, बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था, तो मुझे समझा नहीं इसमें क्या करना है।
तो यू वोंट बिलीव जो डेटा दिया हुआ था ना, जितना भी डेटा था मैंने अपने मन से सबको लेके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दिया, मुझे जो आंसर मिला ना बाद में बाहर निकलने के बाद देखा भाई आंसर तो सेम आ गया जो आंसर चाहिए था। बात समझ रहे हो? मतलब दो से तीन लाइन में जस्ट मैंने मल्टीप्लाई किया सारे वैल्यूज को और वो आंसर मुझे मिल गए। 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे हमारे टाइम में, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, तो आंसर एकदम सेम है। जब पेपर करेक्शन होके आया तो मेरे को 0 मार्क्स मिला था, तो मैंने सर से पूछा भाई आंसर तो सर सेम आया इसमें कैसे, तो वही वहां पे एक्सप्लेनेशन दिया गया कि मतलब जो फॉर्मूला भाई तूने अप्लाई किया वो फॉर्मूला कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तूने कुछ किया ही नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैथमेटिकली करेक्ट ना जरूरी। हाँ ऑफकोर्स वापस ये बोल रहा हूँ, ये थ्योरी कहाँ काम आ जाएगा पता है, इनकेस ऑफ एंट्रेंस, यस एंट्रेंस में अगर ये थ्योरी करेक्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली जब जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक। हाँ हाँ, लेकिन अच्छा हुआ ये दिमाग तो चला, ये अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगा। ओके सो अब हम लोग जा रहे हैं वापस अलजेब्रा ऑफ लॉगरिथम। हेलो एवरीवन, दोज हु आर न्यू एंड ओल्ड जो भी हो प्लीज ध्यान देना, अब की पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए सारी चीजें। फर्स्ट थिंग इज, आप लोग जो खासकर न्यू स्टूडेंट है पहली बार है वो लोग देखेंगे कि कुछ तो ऐसा हम लोग लिख रहे हैं, कुछ तो इस तरह से कुछ तो लिख रहे हैं, तो आपके लिए अजीब होगा कि ये साइन क्या है, क्यों है, कैसे है, उसका मीनिंग के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पढ़ते हैं हम लोग ऐसे कि दिस इज लाइक बार 1.5946, इसको बार 1 पढ़ते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है, बार 1 का मीनिंग है जो दो ये जो वैल्यू 1 है वो 1 जो है वो निगेटिव है, 1 जो है वो निगेटिव वैल्यू है। तो फिर आप में से कुछ लोग के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो निगेटिव है, 1 अगर निगेटिव है तो ऐसे क्यों नहीं लिखते आप, ठीक। तो अब देखो अगर वैसा लिखने की कोशिश करेंगे इसका मतलब आप बोलोगे सर ऐसा लिखो, तो ये दोनों सेम नहीं है। उसको इस तरह से लिखने के पीछे यही एक रीजन है कि अगर ऐसा लिखता हूं दैट मींस द वैल्यू 1.5946 द होल वैल्यू इज निगेटिव, ये जो माइनस साइन मैं यहां लिख दिया इसका मतलब ये पूरा वैल्यू मैं बोल रहा हूं कि निगेटिव है। बट ऐसा लिखने का मतलब ये होता है ओनली 1 इज निगेटिव, 0.5946 इज पॉजिटिव, ठीक। मीनिंग समझा कुछ? हेलो, अरे धोखे से हाँ बोल दिया करो। मिहिर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, मिहिर बोल दे प्लीज, आवाज नहीं आई। हाँ 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 बोला कर प्लीज, तो थोड़ा लगता है कोई तो सुन रहा है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। बार 1 का मतलब हुआ जस्ट 1 इज निगेटिव, बाकी के वैल्यू जो ये 0.5946 है वो पॉजिटिव है, सिर्फ 1 निगेटिव है, उसको ऐसा नहीं लिख सकते। ऐसा लिखने का मतलब हुआ द होल वैल्यू दैट इज 1.5946 इज नेगेटिव, तो दोनों में ये डिफरेंस है, इसलिए ऐसा ना लिख करके ऐसा लिखते हैं हम लोग, ठीक। यस सर। अब इसके बेसिस पे ये एक सिर्फ यही एक टर्म है, एक चीज है जो आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखोगे और जो कुछ अलग है, बाकी हर चीज आपने पहले से बचपन से जो पढ़ा हुआ है एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वही है, जस्ट ये बार आके थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आप लोगों को और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो वर्क कैसे करता है देखो, अगर सपोज मुझे कोई बोलता है सर ऐड करना है बार 2.3542 प्लस 1.4963 ऐसा वैल्यू को मुझे ऐड करना है, तो एडिशन तो बड़ा सिंपल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैसे ऐड करते हो आप लोग, 2 + 3 = 5, 4 + 6 = 10, कैरी 1, 1 + 5 = 6 + 9 = 15, कैरी 1, दैट 1 + 3 = 4 + 4 = 8, ठीक है, ये एडिशन हो गया। अब हमारे पास क्या है, बार 2 + 1, हमारे पास है बार 2 + 1, but as we know that bar 2 is nothing but minus 2, right? मत बोलो, मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा आगे। Yes. Bar 2 is minus 2, है ना? तो minus 2 plus 1, minus 2 plus 1 क्या होगा? Minus 1. Minus. से लिखेंगे,
बार वन, तो इसका आंसर ये आया, ऐसा सॉल्व करना है। कुछ समझा गया? यस सर। तुम लोग टीचर को डिस्करेज कर दोगे। ओके मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। If suppose we have a bar 3.0609 plus bar 2.8875, ऐसा कुछ तो ले लिया, वापस ऐड करना है। ऐड जैसे करते हैं वैसे करेंगे, 9 plus 5, 14 carry 1, 0 plus 1 plus 7 is 8, 6 plus 8 is 14 carry 1, 0 plus 1 plus 8 is 9. Now bar 3 plus bar 2 क्या होगा? बार फाइव। बार फाइव। किसी ने सोचा था कि टेंथ पास होने के बाद हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ने वाले हैं? सच में नहीं कुछ बोल रहे हो, मतलब सोचा होगा। इसका मतलब ये होता है बार थ्री प्लस बार टू इट मींस माइनस थ्री प्लस माइनस टू, and minus 3 minus 2 will be minus 5, minus 5 is nothing but bar 5. ठीक? Yes sir. Yes sir. ऐसे ही मैं और example ले सकता हूँ, एक example और लेता हूँ। bar 1.8763 plus bar 2.5765, ऐसा कुछ तो ले लिया मैंने। now 3 plus 5 is 8, then 6 plus 6 is 12 carry 1, 1 plus 7, 8 plus 7, 15, carry 1. 8 plus 1, 9 plus 5, 9 plus 5, 14, carry 1. That 1 plus bar 1 plus bar 2, 1 plus bar 1 plus bar 2, kya hoga? Bar 2. Pooch raha hai ki bata raha hai? Bata raha hai usse. Haan, phir theek hai. That is 1, bar 1 matlab minus 1, bar 2 matlab minus 2, 1 minus 1 minus 2, that will be minus 2, that means answer is bar 2. Hai ji? Yes sir. To ye aapka simple addition hai, isi tarah ke additions aapko dhyan dene hai, agar bar mein aata hai to isse alag kuch naya nahi aayega. Theek hai? Phir hum log jaate hain. एडिशन इजी रहता है, एडिशन में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बेकार का। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है वो देख लो। और मुझे अभी तक याद है कि ओल्ड स्टूडेंट्स में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे से ना देखते हैं। अच्छा एक चीज मैंने सुना कल, आप लोग जो भी टीचर्स बोर्ड पे लिखवाते हैं उसको नोट नहीं करते हो, सच है क्या? करते हैं नहीं, कुछ लोग महान लोग बन रहे हैं, कुछ महान बन रहे हैं, थोड़ा दिमाग लगा रहे हैं, जो उनके अंदर मस्ती है वो समझ में आया मुझे, अच्छी बात है। मुझे कल पता चला ऐसा कि जो टीचर्स लिखवा रहे हैं वो लोग लिखते नहीं है। तो स्टूडेंट्स मैं एक अलग काम कर दूंगा, आप समझते नहीं हो, मैं रैंडमली आप लोग का नोटबुक चेक करूं क्या? क्या बोलते हो? सी आप लोग मतलब या तो मुझे थोड़ा ना ये सोचने में अजीब लगता है, या तो आप लोग सच में साइंस ज्वाइन किए हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो उसके अकॉर्डिंगली सोचना करना स्टार्ट करो। ये छोटे बच्चों की तरह अगर बिहेव करना स्टार्ट करोगे कि सब रफ बुक में लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं, कोई प्रॉपर वे से नोटबुक नहीं बनाया, एंड देन या तो स्क्रीनशॉट लेके मेरा काम निकल जाता है, अगर ये होशियारी मार रहे हो मतलब तुम्हारी सोच समझ में आ रही है। ये क्लियरली मैं बोल सकता हूँ कि इसका मतलब आप कोई बड़ा टारगेट रख के चलने वाले नहीं हो। आपको मतलब अगर ये अब भी अगर उंगली पकड़ के सिखाना पड़ेगा कि बेटा तुमको ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए, मतलब तुम उस लेवल पे, तो जो कंपटीशन लेवल की बात हो रही है आपकी सोच ही वहां तक नहीं, तो करना तो दूर की बात है, तो बेकार में टाइम पास कर रहे हैं। हम लोग 12th स्टैंडर्ड में अभी वीकली, आप लोग को शायद बताया भी होगा मैंने, वीकली वन टू वन सेशन होता है विद टीचर एंड स्टूडेंट। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके 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 थैंक यू। सो वन टू वन सेशन होता है, अभी एक स्टूडेंट था, आपको बता रहा हूँ, तीन वीक हो गए वो स्टूडेंट उसमें कनेक्ट ही नहीं कर रहे, और जब भी उसके पेरेंट्स को फोन जाता है पेरेंट्स एक ही बात बोलते हैं कि सर वो मेरी सुनता ही नहीं है।
मैंने स्ट्रेट बोला उसको, तुरंत क्लास से उठा के फेंको बाहर आज क्लियरली, क्योंकि कल लास्ट, कल तीसरा मीटिंग कल था, उसका डे था वेंसडे था एवरी वीक का। मैं बोल दिया फ्री कर दो भाई, बच्चा कुछ करना नहीं है और पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते, तो सबसे इजी काम क्या होता है मालूम है आप लोगों का? आप लोगों ने ये चीज ध्यान दिया होगा अगर, कि जब मार्क्स हमारे गड़बड़ाते हैं ना, तो सबसे इजी होता है ब्लेम करना क्लासेस को, खुद कुछ करना नहीं है क्लास को ब्लेम करो। तो मैं ऐसा इंसान हूं कि मैं उठा के बाहर फेंकने में बिलीव करता हूं। हमारा एवरी ईयर का वो एक ट्रेंड है कि मुझे जिस तरह के बच्चे मिले, अगर मैं जिस तरह से चाहता हूँ हार्डवर्क को करने को रेडी नहीं है, तो आप अपने यहाँ पे खुश रहो, मैं अपने यहाँ पे खुश हूँ। इलेवेंथ के बच्चों को अगर ये सिखाना पड़ेगा कि बेटा आप नोटबुक बनाओ, बेटा आप उसको ऐसे लिखो वैसे लिखो, वाओ दैट्स ग्रेट। और हम लोग बात कर रहे हैं जेई और नीट की। ओके सो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन में जाते हैं, सब्ट्रैक्शन में जाते हैं स्टूडेंट। सब्ट्रैक्शन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, प्लीज ध्यान देना। If suppose we have 3.2168 minus bar 1.5946, ऐसा कुछ तो दे दिया, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। देखो 8 minus 6 is 2, then 6 minus 4 is again 2, this is 1 minus 9 is not possible, तो ये कैरी अपना इससे बोरो करेगा, बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 9 इज 2, वाओ क्या एग्जांपल आया, 2, 2, 2, सो दिस इज नाउ 1, नाउ अगेन 1 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, सो ये इससे बोरो करेगा, ये इससे किया अब ये इसके पास आएगा, तो ये 1 था, बोरो करेगा तो 11 माइनस 5 इज 6, ऐसा ही पढ़ते हैं आप लोग बराबर है? यस यस सर। तो इससे बोरो कर लिया तो ये हो जाएगा 2, 2 माइनस बार 1, 2 माइनस बार 1 क्या होगा? 1। किसने बोला वन भाई? हेलो हेलो सर, गलती से। हाँ नहीं तो मैं तुमको पूछने वाला था कुछ तो। 2 माइनस बार 1 क्या होगा? 3। हे ऑफ कोर्स 2 माइनस बार 1 इट मींस माइनस 1 ना, तो माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस, ये तो हमने पढ़ा हुआ है, तो 2 प्लस 1 इज 3, ये तो कुछ नया नहीं हो रहा है राइट? Yes. Okay, next example. Bar 2.8769 minus bar 1.7859. ऐसा कुछ तो ले लिया. 9 minus 9 तो 0. चल easily खत्म. 6 minus 5 is 1. ये भी ठीक है. 7 minus 8 not possible. तो ये इससे borrow करेगा. 17 minus 8 9. ये 17 माइनस 8 हो गया तो ये हो गया 7, 7 माइनस 7 इज 0, 7 माइनस 7 इज 0, तो ये क्या होता है? बार 2 माइनस बार 1, बार 2 माइनस बार 1, बार 2 माइनस बार 1 क्या होगा? बार 1। सब लोग देख रहे हैं कि नहीं? बार 2 माइनस बार 1 हुआ तो बार 2 मतलब माइनस 2, माइनस 2 माइनस ऑफ माइनस 1, ये तो प्लस हो गया, तो माइनस 2 प्लस 1 इज माइनस 1, दैट मीन्स बार 1। ठीक yes. yes, sir. तो अब तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ राइट? कंफ्यूजन अब आएगा। मेरा नेक्स्ट एग्जांपल देखो, बार 1.3246 बार 2.8785। अब देखो कहानी चेंज होगा, मतलब छोटा सा कंफ्यूजन है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन है नहीं। 6 माइनस 5 नॉट पॉसिबल, तो 16 माइनस 5 कितना होगा? 16 माइनस 5 कितना होगा भाई? 11। 16 माइनस 5 अगर 11 होगा तो 6 माइनस 5 भी हो सकता है ना 1। हेलो यस सर, बोरो करने की जरूरत नहीं थी। ओके Now, 4 minus 8 is not possible. So, ये borrow करेगा. तो 14 minus 8, 6. This is now 1. 1 minus 7 again is not possible. 1 minus 7 नहीं हो सकता. तो ये इससे borrow करेगा. तो ये लग जाएगा 11 minus 7, 4. ये हो जाएगा 2.
टू माइनस एट नॉट पॉसिबल, सो ये इससे बोरो करेगा तो ये क्या हो जाएगा 12 माइनस एट फोर, राइट। अब पॉइंट ये है कि जब ये इससे बोरो किया, ये माइनस वन है, ये बार वन है मतलब माइनस वन है। अब माइनस वन से अगर बोरो किया तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू। ये तो पुराने लोग बोल रहे हैं। अब देखो सिंपल सी बात है, न्यू स्टूडेंट्स को भी मैं समझाना चाहूंगा। देखो यहाँ पे जब इसने इससे बोरो किया, इसने इससे बोरो किया, ये थ्री था, बोरो करना मतलब थ्री माइनस वन हो गया, राइट ना, थ्री माइनस वन हो गया तो ये टू बचता है, करेक्ट। यस सर। अब लेकिन यहाँ पे ये माइनस वन है तो माइनस वन से अगर कोई बोरो कर रहा है तो माइनस वन तो क्या हो जाएगा, नहीं समझा? समझा सर। This is minus one. अब इसके पास से कोई तो बोरो करने आया तो माइनस वन में से माइनस वन बोरो कर रहा है तो माइनस वन विल बी माइनस टू ना। यस सर। हाँ इट विल बी माइनस टू और ये क्या है माइनस ऑफ बार टू, सो माइनस टू माइनस ऑफ माइनस टू प्लस टू दैट विल बी जीरो। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक और एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आप लोग बोरो करते थे वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है, बट माइनस वाला टर्म पहली बार आप लोग देख रहे हो बस, और कुछ नहीं, ये बार वाला टर्म पहली बार देख रहे हो। बार थ्री पॉइंट टू फोर एट थ्री माइनस थ्री थ्री या कुछ भी ले लो सर, सकता था 1.9987 ऐसा कुछ तो ले लिया। अब देखो 3 माइनस 7 नॉट पॉसिबल, सो 13 माइनस 7 6 बराबर है, ये से बोरो किया, ये नाउ दिस इज नाउ 7, 7 माइनस 8 इज नॉट पॉसिबल, सो 17 ये इससे बोरो करेगा तो ये हो जाएगा 17, 17 माइनस 8 इज 9, दिस इज 3 नाउ, 3 माइनस 9 इज नॉट पॉसिबल तो ये इसके पास आया, ये 13 हो जाएगा, 13 माइनस 9 इज 4, दिस इज 1 नाउ, ये 1 माइनस 9 नहीं होगा तो ये इसके पास आएगा, तो 11 माइनस 9 इज 2, लेकिन अगर ये इसके पास आया तो ये माइनस 3 है तो माइनस 3 में से माइनस 1 बोरो किया तो ये कितना हो जाएगा माइनस 4 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 ये हो गया और माइनस 1 ये है तो माइनस 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा माइनस 5, माइनस 5 इज नथिंग बट बार 5। आई होप अब तो कुछ तो समझ में आया रहेगा। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं सर। तो न्यू लोग जो भी लोग हैं कम से कम इसको जेरोक्स कर सकते हो, लिखते जाओ नहीं तो सब ब्लैंक रहेगा नोटबुक। नोटबुक कभी भी ना मतलब जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं ना तो हाथ में नोटबुक होना चाहिए और नोटबुक कभी भी ब्लैंक नहीं रहना चाहिए तो फिर पाप लगता है। तुम लोग धर्म की बातें जानते हो कि नहीं? हेलो बिलीव करते हो धर्म में, बिलीव करते हो तो कभी भी देखो कभी भी पूछो ब्लैंक, कभी भी अपना नोटबुक जब हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं नोटबुक पेन लेके बैठना होता है, ये शुभ होता है, पढ़ने में हेल्प करता है, दिमाग चलना लगता है, और उस पर अगर लिखने लगो, लिख लिख के पढ़ने लगो तो आपको और एनर्जी बूस्टर मिलती है ब्रेन वाइज। और अगर जो लोग वैसा नहीं करते हैं वहाँ पे बहुत बड़ा पाप लगता है, वो एकदम अपशकुन माना जाता है। ये बात तो क्या हुआ, इधर अंतर्यामी है बात, अंतर्यामी की नहीं है, सच्चाई बता रहा हूँ नालायक को। तुम लोग ना अभी तक जो पढ़ाई की हो ना खुद सोच के देखो मेरी बात सही हो रही कि नहीं। जिसने भी नोटबुक पेन का यूज बार बार करते हैं उन लोग का मार्क्स देखो एकदम अलग आता रहेगा, और जो लोग नोटबुक पेन से प्यार नहीं करते उनका मार्क्स देखो कैसा आता है, देख लो खुद ही। करो जेरॉक्स, हो रहा है कि नहीं सर? कंप्लीटेड सर, हो गया। गुड गुड, ये छोटा सा एग्जांपल था। तो ये था सब्ट्रैक्शन, इजीली निकल गया, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन में कोई दम नहीं है, डिवीजन थोड़ा सोचना पड़ता है। तो आज फटाफट अगर ये दोनों निकल गया तो अपना बड़ा काम हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर से फिर टेंशन नहीं, फ्री रहेंगे हम लोग इन सब चीजों से।
अच्छा आप लोग का अभी ये टॉपिक स्टार्ट हुआ यूनिट्स एंड मेजरमेंट राइट। दो लेक्चर हुए हैं, दो लेक्चर हुए हैं। कैसा जा रहा लेक्चर? अच्छा था सर। ओके, लेकिन ध्यान देना वो सब बेसिक टॉपिक्स हैं, आगे बहुत काम आएगा ये सब। हर चीज छोटी छोटी है लेकिन आगे बहुत काम आती है। सब भूल गए या नहीं समझा ना तो गड़बड़ होता है। ओके नाउ नेक्स्ट थिंग इज मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन एज आई सेड इज वेरी इजी। 2 into ऐसा कुछ तो आएगा, 5, 9, 4, 3 ऐसा कुछ तो दे दिया, तो इसको करने के लिए क्या है? मल्टीप्लाई तो करना है। 2, 3 जा 6, 2, 4 जा 8, 2, 9 जा 18, कैरी 1, 2, 5 जा 10 प्लस 1, 11, कैरी 1। नाउ 2 into दिस इज बार 3, तो 2 into -3 हो गया। बार 3 का मतलब तो होता है -3, तो 2 into -3 इज -6। -6 और जो एक कैरी कर रहा था प्लस 1, -6 प्लस 1 विल बी -6 + 1 5 - 5 - 5 बराबर ना? यस सर। -6 + 1 = -5 तो ऐसा ही कुछ तो देगा। मतलब इसमें कुछ नया या कुछ भी करने के लिए इन लोग के पास कुछ नहीं है, ये सब इतना इजी रहेगा। 3, 5 जा 15 1, 3, 3 जा 9 प्लस 1, 10 कैरी 1, 3, 4 जा 12 प्लस 1, 13 कैरी 1, 3, 2 जा 6 प्लस 1, 7 Now 3 into -5, 3 into -5 is -15 That means bar 15 है जी। Yes, sir. किसी को कुछ बोलना है? अगर मैं स्पीड में जा रहा हूँ तो बोल दो। किसी को कुछ बोलना है? नहीं सर। न्यू स्टूडेंट्स को किसी को कुछ बोलना है? उन लोगों को समझ रहा है कि नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बात नहीं कर पाया। सोनाक्षी सर, एक और बार क्या हुआ? एक और बार श्री क्या बोल रहा है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। एक और बार एक्सप्लेन कर दो। अच्छा हाँ बोलना, अच्छे से बोल, तू टेंशन मत ले। सी इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2, 3 जा 6 हुआ 6, 2, 4 जा 8, 2, 9 जा 18 कैरी 1, 2, 5 जा 10 10 प्लस 1 था 11 कैरी 1। नाउ 2 into -3, 2 into -3 क्या हो जाएगा? 2 into -3 कितना होगा? -6 होगा ना? -6 और यहां से जो एक कैरी हुआ था वो तो उसके पास आएगा, तो प्लस 1, तो -6 + 1 = -5। यस यू नो? हाँ, तो ये इसलिए मैंने बार 5 लिखा। और इस केस में क्या हुआ? 3, 5 जा 15 कैरी 1, 3, 3 जा 9 प्लस 1 = 10 कैरी 1, 3, 4 जा 12 प्लस 1 = 13 कैरी 1, 3, 2 जा 6 प्लस 1 = 7 तो ये यही खत्म हो गया। नाउ 3 into -5, ये बार 5 है मतलब -5, तो 3 into -5 = -15 दैट मींस बार 15। श्री अच्छा तू बोला रे, मैं तेरी आवाज सुनना चाहता था, बट मैं देखना भी चाहता कि श्री साई जैसा है कि नहीं। ओके समझा श्री? Yes, sir. Yes. कशिश, सोनाक्षी, जो लोग न्यू हैं, मैं नाम सबका ले पाऊंगा जरूरी नहीं है, समझा आप लोगों को? Yes, बॉनी यस सर समझा। ओके 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 ठीक है। अब लेकिन जो पार्ट है ना ये स्टूडेंट्स, गुड गुड थैंक यू, ये जो पार्ट है ना नेक्स्ट पार्ट जो है ना ये थोड़ा सा वापस कंफ्यूज करने वाला है। थोड़ा सा कंफ्यूज वाला सबट्रैक्शन था, बट वहां पे अगर आप लोग को अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। एंड अगेन आगे कंफ्यूज करने वाला डिवीजन है। डिवीजन का रूल आप लोग को समझना पड़ेगा, ये लास्ट पार्ट है। ये समझ गए, इतना अगर किसी को आ गया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, तो आप लोगों ने एक चीज ध्यान दिया रहेगा, ओल्ड स्टूडेंट्स आप लोगों ने भी, तो फिर लॉग में ज्यादा कुछ है नहीं, बराबर ना? गड़बड़ वही होती है। आया ना? यस सर। यस सर। ओके नाउ डिवीजन, अगर बार में है तो प्रॉब्लम है ना। तो सपोज ऐसा कुछ तो दिया, 1/3 × bar 2.5943 ऐसा कुछ तो दिया, अपने को 3 से डिवाइड करना है। तो इसमें ना सिंपल सा रूल है, प्लीज उसको सब लोग फॉलो करेंगे और ये ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि मैंने ये अभी अभी लेक्चर के बिगनिंग में एक्सप्लेन किया
कि बार 2.5946 मींस हियर ओनली 2 इज नेगेटिव, द रिमेनिंग वैल्यू 0.5943 इज पॉजिटिव. और अगर ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो फिर अगर किसी भी टर्म से डिवाइड करेंगे तो गड़बड़ है कि नेगेटिव पॉजिटिव को साथ में नहीं लेके चल सकते. तो इसके लिए रूल क्या बोलता है कि आप किसी भी तरह से कभी भी अगर इस तरह का टर्म मिला तो ध्यान से सुनना, कभी भी इसको इसको ये जो है बार वाला टर्म जो होगा आप इसको डिवाइजर के मल्टीपल में कन्वर्ट करो. कन्वर्ट दिस टू, ये जो है इसको डिवाइजर के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है. तो डिवाइजर अपना क्या है, थ्री है, तो थ्री के मल्टीपल में कन्वर्ट करना. थ्री के मल्टीपल का कन्वर्जन क्या होता है, कैसे करेंगे वो देखो स्टूडेंट सब लोग. पहली बार जो लोग देख रहे हो, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक जो निगेटिव है उसको स्प्लिट करेंगे. बार टू प्लस ये होता है 0.5943, ऐसा स्प्लिट कर सकते हैं. इसको अलग लिखा मैंने, इसको अलग लिखा, ठीक है. हाँ सर, कैरेक्टरिस्टिक अलग किया, मेंटीसा अलग किया. अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बार टू इज नथिंग बट माइनस टू, और ये जो है 0.5943 ये अपने जगह पे है. मैं वापस अपना पॉइंट रिपीट कर रहा हूं. मैंने आपको क्या बोला कि कभी भी अगर इस तरह का डिवीजन आएगा तो आपका रोल क्या होगा, आपका रोल होगा कि कभी भी इसको डिवाइजर के मल्टीपल में बनाओ, मल्टीपल में बनाओ. तो अब मैं ये माइनस टू है, इसको मुझे थ्री करना है, ये टू को मुझे थ्री करना है. मल्टीपल मतलब मैं सबसे पहले इसको थ्री बना सकता हूँ, तो थ्री बनाना है. तो मैथमेटिकल रूल का अप्लाई करेंगे, थ्री कैसे बनाएंगे, माइनस वन प्लस वन. यस, माइनस वन प्लस वन. तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हो जाएगा कि ये हो जाएगा माइनस थ्री, मतलब इन दोनों को साथ में ले लो, और ये पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में, नेगेटिव नेगेटिव साथ में, पॉजिटिव पॉजिटिव साथ में. तो ये हो जाएगा 1.5943. अब मैथमेटिकल रूल हमारा बोलता है कि इसका मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ माइनस थ्री बाई थ्री प्लस 1.5943 बाय थ्री. ये सबने पढ़ा है ना, a प्लस बी बाई टू क्या होता है, a बाई टू प्लस बी बाई टू, यही होता है ना. yes, sir. हाँ, इसको ऐसा लिख सकते हैं. तो अब माइनस थ्री अपॉन थ्री क्या हो जाएगा, माइनस वन, माइनस वन प्लस. ये तो आपका सिंपल डिवीजन आ गया जो अब तक आपने पढ़ा होगा. तो ये देखो ये कैसे हो जाएगा, 0.35 15, 3 3 9, 3 1 3, 3 4 12. ये डिवीजन तो सबको आना चाहिए, ये आ रहा है कि नहीं सबको. यस सर. प्रॉब्लम सिर्फ बार का है, बाकी अगर बार हट गया तब तो आप लोग जो अभी तक तो ये मेरे ख्याल से करते रहोगे, ठीक है. यस सर. So our final answer is here, minus 1 plus this. So final answer is bar 1.5314. This is your final answer. मतलब इसका जो division किया जब आपने, तो answer ये आएगा. इसको अगर सब लोग फटाफट लिखेंगे, कुछ confusion है तो पूछेंगे, तो मैं अगले एक example और लूंगा. सोचते सोचते देख के लिखते जाओ, और कहीं भी कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछो, तो मैं एक दो एग्जांपल और लूंगा. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सर कहां तक पहुंचे हैं? हेलो, इन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री व्हाट विजय सर इज टीचिंग, राइट, कहां तक पहुंचे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं अभी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ओके. एंड मोल कंसेप्ट में क्या चल रहा है? मोल कंसेप्ट किसी को याद भी है कि नहीं, ऐसा कोई टॉपिक पढ़ रहे हो?
सर मोल सिखा दिया पूरा, ऐसा थोड़ी होगा कि मोल कांसेप्ट पूरा पढ़ा दिया होंगे, अभी बेसिक ही पढ़ा रहे होंगे, मोल कांसेप्ट बहुत बड़ा टॉपिक है। कोई बेसिक में पूरा मतलब ओके, तो कल से उनको बोलता हूं सर न्यू टॉपिक, मतलब मोल कांसेप्ट का मेन टॉपिक 11th का स्टार्ट करेंगे, सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पेपर 1 का फर्स्ट टॉपिक। ठीक ओके सर। हां अब धीरे-धीरे मैं 11th के चैप्टर्स में जा रहा हूं, आप लोग से मैं लास्ट टाइम पूछा था, तो मैं 11th के चैप्टर्स में जाऊंगा। इनफैक्ट मेरा भी अभी कैलकुलेशन पार्ट ये लॉग खत्म होगा तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थोड़ी आप लोग को दुनिया दिखाना जरूरी है, प्यारी प्यारी चीजें बहुत हो गई। ये छाप के हो गया सबका? यस सर। किसी को कुछ बोलना है? एनीवन एनीवन एनी डाउट? नो सर। न्यू लोग भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसा मैं रखूं क्या? अरे जो लोग जितनी बार आंसर देंगे ना उनको कुछ तो हमारे तरफ से गिफ्ट, क्या बोलते हो? फिर भी कोई नहीं बोला, कोई नहीं आंसर दिया। हाँ सर ट्राई करूंगा। आ गया लालची, आ गया भुक्कड़ इंसान, आ गया लालची कहीं का, कुछ मिलेगा नहीं। सर आप पूछे, सर आप पूछे तो इसके लिए मैं हाँ बोल रहा हूँ। छोड़ ना, लेकिन कुछ मिलेगा तो ही बोलेगा ना, मतलब तूने बोला ऐसा नहीं। अरे मिश्रा जी नाम खराब कर रहे हो, मेरा भी नाम खराब कर रहा है तू। अरे सर आप पूछे थे मीठी खाने दे। मैंने क्या पूछा था कि अगर कुछ गिफ्ट दूंगा तो आप लोग आंसर दोगे क्या? तू सबसे पहले तू जंप किया, बाकी लोग फिर भी नहीं बोले बेचारे। वो लोग जैसे हैं वैसे रहना पसंद करते हैं, उनको लालच नहीं है। सर मेरे को भी नहीं है। वो तो देखेंगे मिश्रा जी, कभी ना कभी तो क्लासरूम में मिलेंगे, देखेंगे। हाँ सर। Okay, so next example is we have 1/4 into bar 2.5483. Same process, exactly same process. First thing is 1/4 into इसको split करेंगे पहले. Characteristic अलग, mentee से अलग. Then bar 2 मतलब minus 2 plus 0.5483 अपने जगह पे. अब इसको मुझे इसके multiple में बनाना है, तो यहाँ पे 4 है. तो क्या करना पड़ेगा? माइनस टू प्लस टू। यस ऑफ कोर्स माइनस टू प्लस टू करूंगा, माइनस टू प्लस टू करूंगा तो ये फोर हो जाएगा, तो डिवीजन हो सकता है, तो 1/4 इनटू ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस 2.5483, दैट मींस माइनस 4/4 प्लस 2.5483/4, माइनस 4/4 इज 1 प्लस 0.46 are 24, 1 4 4 3 12 2 8 4 2 8 क्या हो गया, 4 7 28, ये 0 हो जाएगा, तो अपने को आंसर मिला बार 1.6370, करेक्ट है? यस सर। श्री समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ आंसर देगा तू? यस सर। यस पक्का? यस सर। और किसको पूछना था? न्यू लोग को मैं ढूंढ रहा हूँ रे। बिस्मी आपको समझ रहा है कुछ? यस सर। श्योरली ना समझ रहा है पक्का? यस। ओके देखते हैं। जिष्णु? हाँ सर समझ रहा है। क्या बात है, वेरी गुड। गोमिन? समझ रहा है सर। ठीक ठीक ठीक, आप लोग को समझ रहा है तो अच्छी बात है। थोड़ा थोड़ा मतलब ये लगता रहेगा कि कहाँ से आया वो पता नहीं, बट समझ में तो आना चाहिए। मैं एक एग्जांपल और लूंगा आज के लिए, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मैं होमवर्क सेंड करूंगा, वो आप लोग को सॉल्व करके रेडी रहना है, सेंड करना है इनफैक्ट। हाँ ठीक। सो नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज Let's say 1/5 into bar 1.2876. ऐसा कुछ तो ले लिया। Same process, 1/5 into bar 1 plus 0.2876. Split किया। Now this is nothing but minus 1 plus 0.2876. अब इसको मुझे इसके multiple में लेके आना है, तो क्या करूँ? Minus 4 plus.
is minus 4 plus 4, of course. So is 1 by pi into minus 5 plus. Ye ho gaya minus 5, ye ho jayega 4.2876. So this is now minus 5 by 5 plus 4.2876 by 5. The answer is minus 1 plus 0.5 is a 40. 4 digits तक जाना है, उसके आगे नहीं जाना है. After decimal point only up to 4 digits, उसके आगे नहीं. ठीक? Yes sir. Yes sir. Yes sir. समझा अभी भी? हाँ बोल. सर वो सेकेंड लास्ट स्टेप में थोड़ा कंफ्यूजन है. यहाँ यस सर. क्या कंफ्यूजन बोल ना सर. सर वो इस कैसे मल्टीप्लाई करके कैसे करना है वो तो नहीं नहीं माइनस फाइव बाय फाइव माइनस वन ये तो प्रॉब्लम नहीं है राइट. यस सर. ओके माइनस फाइव अपॉन फाइव इज माइनस वन ना. हाँ सर वो समझ उसकी बात. तो ये जो है ये टर्म हमेशा क्या कर रहे हैं हम लोग पता है कि अपना ऐसा डिविजन है रे बाबा. 4.2876 डिवाइड बाय 5 कैसे करते थे हम लोग ये याद आ रहा है कि नहीं. हेलो 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 सी सी सी. हाँ सर. हाँ ये लोअर स्टैंडर्ड में हम लोग करते थे ना. हाँ सर. पहले यहाँ डायरेक्ट डिवीजन नहीं होगा तो जीरो पॉइंट लेंगे. पॉइंट लिया तो 5 8 5 8 40 ऐसा कुछ याद आ रहा है. ऐसा ही कुछ करते थे हम लोग. 5 5 25. यस सर. यस. हाँ तो वो चीज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली. ओके बट ऐसा ही पूछता रहे ये मुझे सबसे अच्छा लगा कि तेरा फर्स्ट लेक्चर होते हुए भी तू पूछ रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तू साई की तरह नहीं है. साई तो बिल्कुल नहीं बोलता था. उसको बोलना सर बोल रहे थे. ठीक. हाँ सर. हाँ बोलो बच्चा कौन बोल रहा है. मैं आदित्य. बोल बोल बोल. सर अगर न्यूमेरेटर का नंबर चेंज किया तो पहले मल्टीप्लिकेशन करने का या डिवीजन करने का. इस फॉर एग्जांपल कोई एग्जांपल देगा सर. एक सेकंड. लाइक यहां पे 1 बाय 5 की जगह पे सपोज 3 बाय 5 दे दिया. हां सर. हां तो मेरा सजेशन रहेगा पहले मल्टीप्लाई करो 3 का. ओके सर. तो सपोज ये एग्जांपल सबने लिखा क्या 1. अच्छा तूने पूछ दिया तो मैं इसको ये कर दूंगा. ये 1/5 है तो इसको सबने कंप्लीट किया लिखा सबने. तो जो आदित्य बोल रहा है उसको भी सॉल्व करूंगा. ओके अगर लिखा सबने तो देखो अगर सपोज अभी आदित्य के हिसाब से सपोज ये 3/5 है. अच्छा क्वेश्चन है. अगर ये 3/5 है तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा पता है. सबसे पहले मैं 3 से मल्टीप्लाई करके लूंगा. मेरा काम इजी पड़ेगा. मेरा सजेशन ये रहेगा. नहीं भी कर सकते बट मेरा सजेशन रहेगा 3 से मल्टीप्लाई करो. 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा. 3 6 18 बराबर आदित्य. यस सर. अब ये ऐसा हो गया. तो ऐसा हो गया मतलब इसको ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं. दिस इज नथिंग बट बार 3.8628. तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा. बार 3 प्लस 0.862. अब यहां से स्टेप स्टार्ट हुआ डिवीजन वाला. समझा सर. समझा ना. हाँ हाँ हाँ. माइनस 3 0.8628. तो अब इसको सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा. माइनस 2 प्लस 2. ठीक है. यस सर. गुड. और किसी को कुछ पूछना है क्योंकि मैं अभी इसके बेसिस पे बहुत सारे होमवर्क भेजने वाला हूँ आपको. सॉल्व करके मुझे सेंड कर. किसी को कुछ बोलना है. नो सर. चलो ठीक है. सो आज के लिए इतना ही. एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था.